नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले गठित हुई 17वीं लोकसभा की एक खास बात है। इस बार महिलाओं का प्रतिशत 17% है, जो कि हाईएस्ट एवर नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट इन लोकसभा है। 78 महिला सांसद हैं, जबकि पहली लोकसभा में मात्र 24 सांसद थी। वैसे संसद में 33% रिजर्वेशन वाला महिला आरक्षण बिल भी पेंडिंग है। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी महिला सांसद से मिलवाएंगे जो पहली बार लोकसभा में पहुंची हैं। परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है और वैसे परिवार राजनीति में भी बहुत सक्रिय रहा है। वे स्वयं प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, वहां से सांसद चुनकर आई हैं और समाजवादी पार्टी में भी रही हैं। 24 वर्ष तक कांग्रेस में भी अलग अलग पदों पर रही हैं। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय भी संभाला है। रीता बहुगुना के पिता हेमवती नंदन बहुगुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनके भाई विजय बहुगुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज रीता बहुगुना से प्लस माइनस में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा और पूर्व सांसद कमला बहुगुणा की बेटी डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास की प्रोफेसर थी। रीता बहुगुणा जोशी का संबंध राजनीतिक परिवार से जरूर है, लेकिन परिवार की राजनीति विरासत इन्हें तोहफे में नहीं मिली, बल्कि इसे इन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत के बूते हासिल किया है। चुनावी राजनीति में इनकी धमाकेदार एंट्री 1995 में इलाहाबाद मेयर के चुनाव से हुई। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत ने रीता बहुगुणा जोशी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ने इन्हें मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड वुमेन मेयर ऑफ साउथ एशिया के अवार्ड से नवाजा। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी 5 वर्षों तक यूनाइटेड नेशन में महिला मामलों की एम्बेसडर रही। बाद में इन्होंने कांग्रेस की सदस्य ले ली और 2003 में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही। 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ छावनी से विधायक चुनी गई। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में भी काम किया। 24 सालों तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहने के बाद 2016 में इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में इलाहाबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। प्लस माइनस के लिए रीता बहुगुणा जोशी से बात की साधना ग्रुप के CMD राकेश गुप्ता ने। रीता जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आप राज्य की राजनीति से उठकर के राष्ट्रीय राजनीति में आ गई हैं और लोकसभा में आप सदस्य बनी और एक बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रीता जी, एक राजनीति का दौर था, स्वतंत्रता से पहले एक आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ते थे और आज़ादी के बाद सेवा का माध्यम थी राजनीति। ईमानदारी, शुचिता, स्वच्छता, ये सब एक राजनीति के हिस्से होते थे। लेकिन आज राजनीति का स्तर लगता है गिरता जा रहा है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, स्वार्थों के लिए दल बदल भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको किस तरह की राजनीति का भविष्य दिखाई देता है? देखिए, प्रतंत्र भारत में एक ही लोगों के दिमाग में भाव था कि हमें देश को आज़ाद करना है। स्वतंत्र भारत में निर्माण का, कि कैसे हम अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये शक था, अंग्रेज भी कहते थे कि भारत अपने आप खड़ा नहीं हो पाएगा। 70 वर्षों में हम लोग काफ़ी कुछ अपने कदमों पे खड़े ही नहीं हुए। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विश्व में एक बहुत ही ऊँचा स्थान हमारा राष्ट्र प्राप्त कर चुका है। मैं ये मानती हूँ कि जब ये एक मटीरियलिज्म का दौर जब शुरू हुआ, एक कह लीजिए कि अपने लिए कम करने की इच्छा लोगों के मन में ज़्यादा जागृत हुई, तो हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। आप देखिए, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, नैतिक मूल्य हैं, वो हर जगह कम होते आपको नज़र आएंगे। चाहे वो हम अध्यापक हों, चाहे हम कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे हम नेता हों, चाहे हम कहीं हों। और पिताजी गए तो गांधीवादी की तरह, बस जो कपड़े थे उनके वही उनके पास थे और कुछ नहीं था। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया ना, व्यवसाय जैसा बन गया है। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति एक लक्ष्य के साथ राष्ट्र के लिए काम करने का माध्यम है। और ये भाव हमारे जैसे लोगों ने तो ग्रहण किया, लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है, अब जो एकदम, मैं तो इस समय जो पीढ़ी आ रही है वो एक भाव से आ रही है,
कि हमें पुनः भारत का निर्माण करना है, किसी सदी में आगे ले जाना है। बीच में अंतराल में 30 वर्षों में जातिवादी राजनीति, सांप्रदायिक भाव वाली राजनीति, कहीं ना कहीं ये मसल पावर अपने स्वार्थों के लिए और सत्ता प्राप्ति के लिए ये इनके इन प्रकार इन हर तरह के हथकंडे अपनाने मनी मसल बहुत चला, मनी मसल बहुत चला, धन बल और बाहुबल। उत्तर प्रदेश की राजनीति तो विशेषकर हिंदी आर्टलैंड में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ ये बहुत चला। और इससे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश को मिला लीजिए तो हम लोग 125-130 सांसद लाते हैं, देश की राजनीति का रुख तय करते हैं। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद बात पलटी है, अब विकास की ओर, अब विकास के आधार पर ही वोट होता है। आप समाजवादी पार्टी में भी काफ़ी समय सक्रिय रही और 24 वर्ष तक कांग्रेस में आपने अलग अलग पदों पर काम किया, उसके बाद में आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, 24 साल में देखिए मैं स्वतंत्र, बड़ी भ्रम लोगों को भ्रम है, मैं प्रयागराज इलाहाबाद से महापौर बनी थी स्वतंत्र, अन्य दलों ने मुझे समर्थन दिया था, उसमें कांग्रेस वो तिवारी भी थी, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, उसमें समाजवादी भी थी, मैं उसकी उनकी उम्मीदवार नहीं थी, मेरा तो चिन्ह उगता सूरज था और पूरे भारत में मैं अकेली स्वतंत्र उम्मीदवार थी जो प्रचंड बहुमत से जीती। उसके बाद आपको यूएनओ से अवार्ड भी मिला? नहीं, हाँ उसके बाद मैंने, नहीं मेरा स्टिंट एज अ मेयर बहुत, मैं देखिए मैं यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी और मैंने 32 साल प्राध्यापन किया है, पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, तो जब मैं मेयर बनी उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार मुझको मौका मिला तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया एकदम से, कि उन्होंने कहा कि आप तो हमारे लिए आदर्श हो गई, राजनीतिक परिवार से हैं आप, पढ़ी लिखी हैं आप, खुद शिक्षिका हैं और आप स्वतंत्र मेयर बन गई हैं तो, और महिला हैं, तो उन्होंने लिया। मैंने 32 देशों का दौरा किया संयुक्त राष्ट्र संघ के सलाहकार के रूप में, मैं 7 साल उनकी सलाहकार रही स्थानीय निकाय में और महिलाओं के विषयों पर, वो मेरा गोल्डन पीरियड है। लेकिन समाजवादी पार्टी में मैं कुल 7 महीने रही क्योंकि उस समय कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी वगैरह थे और कोई मतलब नहीं था उनका, उत्तर प्रदेश में मेरी लड़ाई थी कि भाई कैसे उत्तर प्रदेश को खड़ा किया जाए, तो मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि भाई सुल्तानपुर से चुनाव लड़ जाओ, तुम्हारे पिताजी का क्षेत्र था, तो उनके टिकट से मैं चुनाव लड़ गई संसद का। लेकिन फिर सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी का रेंज ली हाथ में, प्रयागराज आई इलाहाबाद, उन्होंने मुझे बुलाया तो 7 महीने बाद ही मैं वापस चली गई। और मैं गई क्यों, देखिए समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ इटावा में और उसमें महिला, उस समय महिला आरक्षण का विधेयक चल रहा था, तो मुलायम सिंह जी ने कुछ बहुत अभद्र बातें, अच्छी बातें नहीं, कुछ अप्रिय शब्दों में महिलाओं का संबोधन किया, किटपिट बोलने वाली, ऐसे कुछ अजीब अजीब सी बातें, तो वहाँ जब मैं बोलना चाहती थी इसके पक्ष में तो मुझे बोलने नहीं दिया गया कि भाई महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। और जब मैंने खड़े होकर कुछ बोला भी तो जिन महिलाओं ने ताली बजाई थी नीचे से उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो मैं समझ गई कि इन लोगों को महिलाओं के लिए ज़्यादा सम्मान नहीं है। उस समय मैं नाराज़ होकर फिर मैं आई क्योंकि देखिए मेरा पूरा वजूद महिलाओं का है। 1974 में जब मैं यूनिवर्सिटी में पहली बार प्राध्यापन शुरू किया तो मेरी माँ बहुत बड़ी समाजसेवी थी, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि देखो तुम लोग राजनीति में तो हो नहीं, तुम्हें समाज सेवा करनी चाहिए, महिलाओं के लिए काम करो। 20 वर्ष मैंने महिला संगठनों के साथ मिलकर, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के साथ मैंने, NCWI नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन इंडिया, इन सब के साथ मैंने बहुत काम किया राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। आप किसी भी महिला NGO से पूछेंगे रीता कौन है तो आपको बताएंगे, आप पॉलिटिक्स में तो मैं बहुत बाद में आई राजनीति में, तो महिलाओं के मामले में तो और बच्चों के मामले में तो मेरा, मैं नहीं कह सकती आपसे, मेरे रोंटे खड़े होते, मुझे लगता है मैं क्या कर दूं। महिलाओं के लिए आपने इतना सब कुछ किया है लेकिन आज जिस तरह का हम देखते हैं वातावरण, आपको लगता है कि महिलाएं राजनीति में भी सुरक्षित हैं पूरी तरह से? नहीं, बहुत संघर्ष है, दो दो आधार है। देखिए एक तो हम लोगों का सामाजिक संरचना और महिलाओं की मर्यादा की सीमाएँ व्याख्यात हैं और उसको हम पार करना भी नहीं चाहते, हम खुद अपनी सीमाएं बनाते हैं और मैं समझती हूँ हर महिला अपनी सीमा खुद बनाती है, पर जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा में जो महिला का रोल है वो बहुत ही स्वाभिमानी रोल है, उसको तो हम, उस भूमिका को तो निभाना चाहते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हम राष्ट्र के प्रति कर सकते हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो हमारी हम कुछ अपने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो भी हमारा अधिकार बनता है क्योंकि संविधान हमको अधिकार देता है। तो
महिला से ज़्यादा तो मल्टीटास्किंग कोई होता नहीं, एक समय पर हम चार काम एक साथ कर लेते हैं, बच्चा भी खिला लेते हैं, घर की सफाई भी कर लेते हैं, दाल भी चढ़ाकर पका देते हैं और झाड़पोछ भी कर लेते हैं। हम लोगों से ज़्यादा मल्टीटास्किंग कोई हो नहीं सकता, तो वहाँ बस हमारा प्रॉब्लम आता है। और महिलाओं का मूल्यांकन, सड़क पे चलिए, महिलाओं के हाथ से बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन जब महिला चलाती गाड़ी, अरे भाई हट जाओ, महिला आ रही है। और महिला के हाथ से कभी, मैंने 20 साल गाड़ी चलाई, कभी एक चीटी भी शायद ना मारी होगी। तो महिला हमेशा, उसका मूल्यांकन निरंतर होता है, शी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एज द लेसर, वीकर, नहीं लेसर, लेसर पर्सन। तो हम तो आज भी अपना इम्तिहान देते हैं, दे रहे हैं इतने वर्षों तक, इतनी उपलब्धियां लेकर भी। तो महिला के लिए संघर्ष है, हर तरह का संघर्ष है। एक प्रश्न आपने पूछा कि आप बीजेपी में कैसे चली गई। देखिए 24 साल मैं कांग्रेस में रही, और मैंने जब मैं कांग्रेस में थी वहाँ से कुछ मिलना नहीं था। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, कभी 16 विधायक, कभी 19 विधायक, कभी 25 विधायक, जबकि किसी समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। गढ़ होता, मेरे पिताजी के समय में देखिए 225 थे। तो जब मोदी जी आए, मुझे भी बड़ा संदेह था कि भाई गुजरात से आके मोदी जी क्या कर लेंगे। तो मैं भी समझती थी कि ये तो इनका एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स है। बट विद इन 2-3 ईयर्स कांग्रेस का तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरती चली जा रही थी। उत्तर प्रदेश में माफियाज़म बहुत बढ़ रही थी, और मसल पावर, मनी पावर बहुत, और इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि एक अगर सफाई कर्मचारी का भी रोज़गार चाहिए आपको तो 2 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। ऐसे में एक राष्ट्रीय पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लिए उचित होती। जब 2017 का चुनाव आया तब तक मोदी जी ने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान से उनकी हैंडलिंग, सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब हो चुका था। तो उस समय हम लोगों को निर्णय लेना था कि हम अब ये चुनाव में क्या करें, या तो हम चलने दें वही बसपा सपा, और या फिर हम कोई राष्ट्र पार्टी पकड़ें। कांग्रेस में दम है नहीं। मोदी जी का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का एजेंडा था, तो फिर हम बीजेपी में गए। देखिए राजनीति एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, आइडियोलॉजी स्टैटिक हो सकती है, पर राजनीति राष्ट्रीय हित से बड़ा नहीं हो सकता कुछ। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे राष्ट्र में मोदी जी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, बिकॉज उनका अपना कुछ नहीं है। वो उनका यही प्रयास रहता कि जो भी करूँ मैं राष्ट्र से आगे बढ़े, विवादों में नहीं फंसते, वो अपने डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे लेके चलते जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये निर्णय मेरा उत्तर प्रदेश के हक में सही था, राष्ट्र हित में भी सही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। आपने नगर पंचायत का इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में मेयर का, उसके बाद में आप स्टेट में महिला बाल विकास मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय आपने संभाला, और अब आप राष्ट्रीय राजनीति में संसद में पहुंची। कितना कठिन रहा ये सारा सफर? मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ कि 25 वर्षों के बहुत छोटा समय होता है एक राजनीतिक जीवन में। मैंने हर हाउस को रिप्रेजेंट कर लिया, स्थानीय निकाय में भी ले ली, प्रदेश में भी, और अब केंद्र में। मुझे हालांकि आप राजनीतिक परिवार से आती हैं और सीधा पैराशूट की तरह कहीं भी टपक सकती थी, लेकिन आपने धीरे 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 धीरे, हमारे पिताजी ने स्पष्ट कर दिया था, देखिए पिताजी ने पार्टी भी अपनी बनाई थी, पर उन्होंने हम लोग से स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग मध्यम वर्गीय लोग हैं, राजनीति हमारे लिए व्यवसाय माध्यम नहीं बन सकता आय का। अपने पैरों को पहले आप किसी प्रोफेशन में जमाइए। तो मेरे भाई वकील बने, चोटी के वकील बने, सुप्रीम कोर्ट में रहे, जज बने, रिज़ाइन करके चुनाव लड़े। मैं यूनिवर्सिटी में गई, मैं लेक्चरर बनी, रीडर बनी, प्रोफेसर बनी, पैर जम गया, तब पॉलिटिक्स में आए। तो हम लोग बिल्कुल मध्यम वर्गीय सोच के लोग थे। पिताजी की मृत्यु के बाद हम पॉलिटिक्स में आए। हम उनकी पार्टी के भी प्राइमरी मेंबर नहीं थे, उन्होंने हमें बनने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा ना आप लोग अपने आप जीवन चलाओ। उनके डेथ के बाद अब इलाहाबाद की सी में महिला आंदोलन में थी, बहुत पॉपुलर थी, बहुत लोकप्रिय थी महिलाओं के बीच में। तो जैसे ही 95 में ये आरक्षण आया, 74वां संशोधन, और ये हुआ कि भाई इलाहाबाद की सीट महिला सीट है, यकीन मान लीजिए उसी दिन से आवाज़ उठ गई थी कि बस रीता दीदी जीतेगी। हम नहीं लड़ना चाहते थे, कांग्रेस में थी, मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने नहीं दिया, किसी ऐसे को दिया जिसको नहीं मिलना चाहिए था। तब भी मैं ठीक थी, मैंने कहा चलो नहीं लड़ते, पर पूरे नगर ने मुझको घेरा कि नहीं आप लड़िए। तब मैं स्वतंत्र चुनाव लड़ी, और आज मैं सच्ची आश्चर्य करती हूँ, जब मैं लड़ने के लिए उतरी तो मेरे पास 25,000 रुपये था मेरे अकाउंट में, मात्र 25,000, और मैं कूद गई। शायद आज मुझसे कोई कहे कि चुनाव लड़ो तो मेरी हिम्मत ना पड़े। एक तो स्वतंत्र, 25 दिन का चुनाव, और 25,000 रुपया,
लेकिन यकीन मानिए 2 लाख रुपए में मैं इलाहाबाद की मेयर बन गई। लोग आते गए, कोई 500 दे रहा, कोई 1000 दे रहा, कोई 2000 दे रहा, ये अब संभव नहीं है। 2 गाड़ी थी बस, एक एम्बेसडर और एक फीएट, 2 गाड़ी और 2 लाख रुपया, और मैं इलाहाबाद की महापौर बन गई। कांग्रेस की जमानत जब्त, बसपा की जमानत जब्त, और भाजपा को 40,000 वोट से तब मैंने हराया उस समय। एंड 95 इट वॉज अ ग्रेट, बिकॉज दैट टाइम यू सी उस समय तो उत्तर प्रदेश में तो खासतौर से राम जन्मभूमि आंदोलन और जाति जाति का भी बहुत था। हमारे परिवार ने कभी जात की राजनीति की नहीं, संप्रदाय की राजनीति की नहीं। तो मैं समझती हूँ काम अगर कोई दिल से करता है जनता के लिए तो जनता आपको हाथों हाथ लेती है। पैसा आज की राजनीति में महत्वपूर्ण है, पर पैसा मात्र आपको चुनाव नहीं जिता सकता अगर आपकी छवि ठीक नहीं है तो। आप रीडर रही, प्रोफेसर रही और 2 बुक्स भी आपने लिखी हैं, और टीचिंग प्रोफेशन में एक लंबा समय आपने बिताया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो इतनी प्रतिष्ठित है वहाँ पर आप रही, उसके बाद आप राजनीति में आ गए। तो टीचिंग प्रोफेशन में और राजनीति में कौन सा आपको बेहतर लगा? देखिए दोनों ही चैलेंजिंग है। रोज़ आप अपने क्लास में जाते हैं तो रोज़ आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, क्योंकि टीचर को एक कम्युनिकेट करना होता है विद द स्टूडेंट्स। मैं समझती मेरी कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी थी, उसने मुझे वहाँ भी फ़ायदा दिया, लाभ दिया, और यहाँ पर भी। मैं बहुत बड़ी विद्वान नहीं थी, लेकिन जो मेरी नॉलेज थी उसको मैं बच्चों तक पहुँचा देती थी, युवा तक पहुँचा देती थी। तो आई वॉज अ वेरी पॉपुलर टीचर। तो वो चैलेंज था कि आप अच्छी टीचर हैं कि नहीं, यहाँ चैलेंज है कि आप अच्छे नेता हैं कि नहीं। तो बेसिकली पब्लिक परसेप्शन, हम लोगों ने, मैंने खास तौर से जब भी लाइन खींची है तो लाइन इसीलिए खींची है कि लोग ये कहें कि इस काम में इससे अच्छा नहीं हो सकता था। तो दे आर डिफरेंट फील्ड्स, दोनों चैलेंजेस हैं। वहाँ पर एक इतना अंतर है कि वहाँ आपको मालूम है कि अगर आप एक लेवल ऑफ आप अपना ले आएंगे काम को तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। राजनीति में कोई भरोसा नहीं है, आप कितना भी काम कर लीजिए, हो सकता है कोई ऐसी बात चल जाए कि आप चुनाव हार जाए। तो दिस इज अ अनसर्टेन फील्ड बट वेरी सेटिस्फाइंग अगर आप अच्छे से काम करो तो। रीता जी, हम बात कर रहे थे कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया है। आप पर्यटन मंत्री हैं और वहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार भी चाहती है कि अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मॉडल तैयार किया जाए, वहाँ पर विकास किया जाए। क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको? देखिए पहले तो ये मैं बहुत इस बात से पूरा राष्ट्र खुश है, कोई भी समुदाय को, कि एक बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया। लेकिन वहाँ पर जब से योगी सरकार आई थी हम लोगों ने अयोध्या के विकास पर बहुत ध्यान दिया। आप देखिए दीपोत्सव शुरू किया ये उत्तर प्रदेश सरकार ने, और हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गए। देखिए अयोध्या के महत्व को तो नहीं लिया जा सकता था, विवादित तो वो छोटी सी भूमि थी जिसपे हम लोग राम मंदिर चाहते थे, लेकिन बाकी अयोध्या को का बहुत दुर्दशा थी। वहाँ पानी नहीं, सीवेज नहीं, सड़कें नहीं। तो अब तक आप समझ लीजिए 100 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार वहाँ के डेवलपमेंट में हर विभाग मांग गया। वहाँ पर पावर मतलब विद्युतीकरण हुआ, वहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, और वो जो जगह थी जो सरयू के तट पर, उस पूरे जगह को बहुत सुंदर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो वहाँ जितनी बिल्डिंग्स थी, मंदिर थे, उनका थोड़ा सा रेनोवेशन करके उसको एक फसाद, सुंदर फसाद बनाया गया, दीपोत्सव करा गया, सरयू की पूजा शुरू की गई। और अब तो जो आपको मालूम है जो वहाँ पर जैसे जो पानी है सरयू का, जो वहाँ पर क्या कहते हैं उसको रामघाट, तो उस रामघाट को अब इतना, अब उसमें रनिंग वाटर आता है। जैसे हम लोगों का हरिद्वार में है हर की पौड़ी, वैसे अब जो राम की पौड़ी है वो अब पहले स्टैग्नेंट वाटर था, पानी आता था उसको निकालना पड़ता था, अब उसको रिवर से कनेक्ट कर दिया गया है। अभी अभी हाल में वो हो गया है। एक पूरा प्लान स्ट्रैटेजी तैयार है कि वहाँ बहुत खूबसूरत पार्क बनेगा और वहाँ पर भगवान राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, सौंदर्यीकरण किया जाएगा कई एकड़ भूमि में। और अभी अभी आपने देखा 200 करोड़ फिर 400 करोड़ फिर सरकार ने दिया है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो पर्पज़ ये है कि अब आप ये जानिए कि पूरी दुनिया से लोग वहाँ आएंगे, जो भी हिंदू है वो अयोध्या का दर्शन अगर भारत आएगा तो करेगा, हर भारतवासी वहाँ जाएगा, तो पर्यटन का बहुत बड़ा स्थल वो बनने वाला है। उत्तर प्रदेश ऐसे भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है भाई, कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, सबसे पुरातन हमारे भोले बाबा की नगरी, सब तो यही है, बौद्ध
बौद्ध सर्किट यही है, तो इसलिए अयोध्या को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर बनाने का की योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे लगता है 2-3 साल के अंदर वहाँ का रूप एकदम बदल चुका होगा। वहाँ के जो ब्रिजेज हैं उनकी लाइटिंग हम लोगों ने कर दी थी, वहाँ पर म्यूजियम है भगवान राम का, तो बहुत अच्छा विकास होगा, वर्ल्ड क्लास बनाने का उसका योजना है। आप काफ़ी समय तक उत्तर प्रदेश में मंत्री रही, महिला बाल विकास भी और पर्यटन भी, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि हम लोग ने कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक काम शुरू किया। दीपोत्सव, रंगोत्सव, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है उसको पूरी तरह से विकसित करने की जो योजना बनी, फिर इतना हमारे यहाँ इको टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं, वन्य जीवन इतना समृद्ध है, लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट पार्क की, उससे सुंदर हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ समझौता करके हम लोगों ने MOU साइन करा और अब कलेक्टिवली दोनों मिलकर उसको विकसित कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा आर्थिक रूप से और अन्य रूपों से तो पर्यटन के माध्यम से होगा। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम पर्यटन है। अगर आप 10 लाख रुपये लगाते हैं पर्यटन के किसी उसमें योजना में, तो आप सोचिए आप 80 लोगों को रोज़गार देते हैं, इट इज़ बहुत ही रेमुनरेटिव है, तो वहाँ बहुत सेटिस्फाइंग है। फिर महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने एक नई पहल उत्तर प्रदेश ने की जो कहीं नहीं थी, एक वन स्टॉप सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को मतलब थोड़ा सा उनको गाइड किया जाता है, उनको एक संरक्षण दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। 181 जो ऑल इंडिया हेल्पलाइन नंबर है उसको हमने बहुत विकसित किया, 24 घंटे का किया उत्तर प्रदेश में, और हमने जो नया नवीनीकरण किया वन स्टॉप सेंटर जो अस्पतालों के आसपास होता है और ये हमारा जो हेल्पलाइन है, इसके बीच में हमने एक रेस्क्यू वैन अरेंज करी पूरे यूपी में, हमारे मुख्यमंत्री ने हमको स्टेट की तरफ से दिया, और इस रेस्क्यू वैन के माध्यम से जैसे ही फ़ोन आता है 181 में कि हम कष्ट में हैं, तो हम महिलाओं को रेस्क्यू करने का काम करते हैं, और 3 साल में 50,000 से ज़्यादा महिलाओं को रेस्क्यू किया गया, जो कि घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना या अन्य किन्हीं कारणों से वृद्ध हो, महिलाओं, बच्चियाँ हों, परेशान थी, 50,000 के आसपास, और 4.5 लाख महिलाओं को हम लोगों ने काउंसिल किया। वो एक गाड़ी होती है, उसमें एक काउंसलर होती है, एक पुलिस की अधिकारी, एक कॉन्स्टेबल होती है, और ये थर्ड से 24 घंटे चलता है ये। इसके लिए हम लोगों को वन स्टॉप सेंटर बेस्ट सेंटर का ऑल इंडिया का खिताब भी राष्ट्रपति ने दिया। तो काम सब तरफ बहुत अच्छे हो रहे हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं, बहुत धीरे धीरे ठीक होंगे। हालात की अगर हम बात करें तो इस समय देश की अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो बड़ा सुस्ती का वातावरण है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर में भारत के बारे में ये कहा जाने लगा है कि अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। मैं आपकी बात मानती हूँ, देखिए पूरी दुनिया में मंदी, आज अगर आप GDP देखिए, चीन का GDP भी सिंगल फिगर्स में आ गया, हमसे भी नीचे हैं, वो 5.5 पर है, हम तो फिर भी 6+ पर हैं। तो हम मानते हैं कि ये थोड़ी कमी है, लेकिन आप जरा अपने देश का साइज भी देखिए, इतना बड़ा साइज है, हर साल हमारे 2 करोड़ आबादी बढ़ जाती है प्रतिवर्ष 2 करोड़। अब लोग रोज़गार का मतलब नौकरी समझते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। अब देखिए सरकारी नौकरी तो आप इस लेवल पे, इस मैग्नीट्यूड पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मुद्रा योजना है, अन्य जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वेन्यूज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है, लोग घर बैठ कर भी रोज़गार कर सकते हैं। हम तो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को समझते हैं कि दे कैन बिकम इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल बन सकती हैं। इन लोगों पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में भी दे रही हूँ। पूरी दुनिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक रोल होता है, और आप देखिए अभी हम लोगों ने RCEP पे साइन नहीं किया, हम अपनी प्रोटेक्टिव पॉलिसी भी ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, खासतौर से जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको संरक्षित करने के लिए
हम लोग अभी ओपन डोर अपने दरवाजे खोल नहीं रहे पूरी दुनिया के व्यवसाय के लिए। तो RCEP में कितना भी प्रधानमंत्री मना करके आ गए कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। तो इस तरह से कुछ प्रोटेक्टिव, कुछ ओपन, कुछ लोगों को प्रेरित करके हम लोग अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किए हुए हैं, इसको ज़रूर डेवलप करेंगे। रीता जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि राजनीति का किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन या किस तरह से स्तर गिर रहा है, आपका पूरा परिवार राजनीति में रहे, तो ऐसे में आप अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहेंगी क्या? नहीं, रोकूंगी नहीं अगर आना चाहेंगे, अभी तो प्रोफेशनल हैं वो लोग, हमारी बहू और बेटा दोनों ही अपने अपने काम में हैं। लेकिन देखिए, हो ही जाता है, कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। लेकिन एक बात है, हम लोग अपने बच्चों को जैसे हम थे, हमको बिगड़ने नहीं दिया गया, मतलब एक्स्ट्रा पावर, सेंटर ऑफ पावर नहीं बनने दिया गया। पिताजी ने हमेशा ये देखा कि हम लोग बैक से कोई उनके बैक से किसी प्रकार का मैनिपुलेशन ना करें। ऐसे ही हमारे भी बच्चे हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट जीवन का, सादा और सिंपल जीवन है। और विजय भाई, मेरे बड़े भाई, उनका बेटा ऑलरेडी विधायक हो गया है। काम करें, अगर अपना जनता उनको चाहेगी तो जीत जाएंगे। लेकिन अभी इस बार तो चुनाव लड़ना चाहता था मेरा बेटा, पर पार्टी का निर्णय हुआ, किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। मांगेगा टिकट, मिलेगा तो ज़रूर लड़ना चाहेगा, बट प्रोफेशनल है, वो भी प्रोफेशनल ही है। रीता जी, राजनीति की बहुत बात हुई, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे पारिवारिक मूल्यों के बारे में बात करना चाहेंगे कि जैसे राजनीति का स्तर गिर रहा है, ऐसे पारिवारिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, माता पिता के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी गिर रही है, तो इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये कष्टप्रद है। देखिए, हम लोगों ने, मेरी माँ 1930 में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ती थी, हॉस्टलर थी ब्रिटिश स्कूल में, पिताजी बहुत ओपन माइंडेड थे, लेकिन हम लोग हमेशा संयुक्त परिवार में रहे। मेरे चाचा जनरल मैनेजर थे एक कंपनी के, लेकिन फिर भी साथ रहे अपने भाई के। हम तो देखिए, मेरा परिवार तो संयुक्त परिवार के व्यवस्था में बहुत विश्वास करता है, और बड़ों का सम्मान और बच्चों में नैतिक मूल्यों का को रखना, ये हम लोगों के, हमारे परिवार का, यही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। देखिए, जो समाज अपने मूल्यों को गंवा देता है, चाहे वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों हों या सामाजिक मूल्यों हों, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। हाँ, हमें रूढ़वादी नहीं होना है, हमें स्वतंत्र मस्तिष्क का होना है चिंतन में, पर स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता है कि आप जीवन की वो पद्धतियाँ अपनाइए जो इमोरल हैं, जो अनैतिक हैं। संयुक्त परिवार हो, सब बड़ों का सम्मान हो, बड़ों का मार्गदर्शन हो, और आप देख लीजिए, जो सबसे बड़ों को नहीं भी मानते, जब कष्ट में आते तो यही सोचते हैं कि अगर मेरी माता पिता होते तो मुझे क्या राय देते। तो नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति बहुत समृद्ध है, हमारी पारिवारिक व्यवस्थाएं बहुत सुंदर थीं, जितना हम निभा सके उतना निभाने की कोशिश करनी चाहिए। नैतिकता से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आपने नैतिक मूल्यों को गंवाया तो आप अपने जीवन को गंवा देते। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपने राजनीति के बारे में भी और पारिवारिक मूल्यों के बारे में भी हमें बताया, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, और जिन उद्देश्यों को लेकर के और जिस प्रकार की शुचिता की राजनीति आपने और आपके परिवार ने की है, हम आशा करते हैं बहुत आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस माइनस कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जी, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।